करते हुए पास था जाए अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। आज हम आए थे कुरान पाक दुबई में, और ये इस वजह से फ़ेमस है, इसका नाम कुरान पाक इस वजह से है कि यहाँ पर कुरान में जितने झाड़ और प्लान के नाम हैं और हदीस में जितने नाम हैं, तो उन्होंने वहाँ यहाँ इस ज़मीन पर उसको उन झाड़ों को एक जगह जमा करने की कोशिश की है। तकरीबन उन्होंने सारे जमा किया है, जैसे वो आयत भी है मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, बनी इसराइल के बारे में, कहती है कि या मूसा लन नस्बिर अला तअम वाहिद फदउ लना रब्बक युखरिज लना मिम्मा तुनबितुल अर्द मिन बक्लिहा व कित्ताइहा व फूमिहा व अदसिहा व बसलिहा, कि मूसा हमारे लिए ककड़ी और प्याज और दालें वगैरह निकालें, अल्लाह से दुआ करें। तो बस उन्हीं चीज़ों को उन्होंने यहाँ बहुत अच्छे से जमा किया है। अच्छा, फिर उन्होंने इन फ्रूट्स और जो भी वेजिटेबल है उसका फिर फ़ायदा है ना इंसान की बॉडी पर क्या होता है, उसको लिख के मेंशन किया है। तो वो भी बहुत अच्छी बात है कि भाई जो भी अल्लाह ने जिक्र किया वो इंसान की बॉडी के लिए, मुसलमानों के लिए नहीं, इंसान की बॉडी के लिए अच्छी चीज़ थी, तो इसलिए उन्होंने उसके फ़वाइद को साइंस के हिसाब से लिखा हुआ है। कभी आपका दुबई जाना हो तो यहाँ पर ज़रूर जाइएगा कि एक ही छत के नीचे आपको काफ़ी कुरान की आयतें जमा की भी मिल जाती है। और उस दिन जिस दिन हम गए थे तो बहुत गर्मी भी थी और रश तो बिल्कुल ही नहीं था, इसलिए बहुत आराम से चले गए, पर बच्चे थोड़े चिड़चिड़े हो रहे थे गर्मी की वजह से। ऐसे तो जितने भी दिन का हमारा ट्रैवल दुबई में था, अल्हम्दुलिल्लाह मौसम काफ़ी अच्छा था, लेकिन बस इस दिन थोड़ा सा गर्म मौसम था। फिर ही हम जा रहे थे ये जो उन्होंने गार बनाई है कहफ के नाम से, कहफ अरबी में केव कहते हैं, और ये केव में ले जाकर आपको थोड़ी सी नबियों के मौजज़े बताए जाते हैं, कुछ 7 मौजज़े जिक्र किए गए हैं अलग अलग नबियों के। और मतलब एक आपको स्क्रीन पर आपको जब देखने मिलता है, और जब बच्चों के लिए एक अच्छी चीज़ है, और आजकल डिजिटल बच्चों के लिए तो काफ़ी अच्छा है कि देख के उनको समझ में आता है। सबसे पहले हमको सुलेमान अलैहिस्सलाम का मौजज़ा बताया गया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम को कैसे अल्लाह ने ताकत दी थी, मौजज़ा दिया था कि वो परिंदों के साथ बातचीत कर सकते थे। मौजज़ा बेसिकली उन चीज़ों को कहा जाता है जो नबियों से अल्लाह करवाता है ताकि उनकी नबूवत की गवाही दे। तो ऐसे अलग अलग नबियों को अलग अलग मौजज़े मिले थे, तो सुलेमान अलैहिस्सलाम को हुदहुद की वाला मौजज़ा बताया गया, और फिर ईसा अलैहिस्सलाम को मौजज़ा बताया गया कि वो कैसे मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करते थे, और वो मिट्टी के परिंदे बनाते थे और अल्लाह के हुक्म से उसमें जान डालते थे। फिर जब आप निकलने लगते हो, और 2-3 मतलब 7 नबियों का मैंने कहा ना, ऐसे बताया गया, उज़ैर अलैहिस्सलाम भी है उसमें। तो फिर जब आप निकलने लगते हो तो आखिर में हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा बताया जाता है, और वो शक के कमर का मौजज़ा कि जब कुफार ने कहा कि अगर आप नबी हो तो फिर आप साबित करें कि आप नबी है, कुछ हमको बताएं कि आप नबी है, तो फिर हमारे नबी ने उंगली से चाँद की तरफ इशारा किया और अल्लाह के हुक्म से चाँद के 2 टुकड़े हो गए। तो उस मौजज़े को यहाँ हाईलाइट किया गया है। हम सबका ईमान है कि जो मौजज़े हैं ये 100% अल्लाह की तरफ से होते हैं और नबियों पर ज़ाहिर होते हैं। कुरान पाक बहुत एक अच्छी जगह थी बच्चों को कुरान के बारे में कुछ सिखाने के लिए। वैसे भी बच्चे स्टोरी के थ्रू ज़्यादा जल्दी सीख जाते हैं, अगर आप उनको ऐसे ही कोई बात समझाओ और स्टोरी के बेस पर समझाओ तो बहुत फ़र्क पड़ जाता है। मैं जब भी कुछ होता है बच्चों को ऐसे समझाने बैठती हूँ तो कोई किसी नबी का, किसी सहाबा का किस्से के थ्रू उनको समझा देती हूँ। समझाना हमारा काम है, हिदायत देना अल्लाह का काम है, वो अल्लाह बेहतर जानता है कि किसके नसीब में हिदायत है नहीं है। दुआ हमारी यही है कि हमारे बच्चों को भी, हमारी नस्लों को भी अल्लाह हिदायत के साथ रखे, पहले तो हमको भी हिदायत के साथ रखे। और जो नबियों के किस्से और सहाबा के किस्से जो हम सुनते हैं या स्टोरी के बेस पर समझ में जो आता है, अल्लाह हमको उसके ज़रिए कोई सबक हासिल करने वाला बनाए और उस पर फिर अमल करने वाला बनाए। नेक्स्ट डे हम आ गए थे गोल सूक, जो दुबई में बहुत फेमस है कि दुबई का सोना बहुत अच्छा होता है, बहुत प्योर होता है। तो अगर आपको दुबई में सोना लेना है तो बहुत टाइम निकाल के जाना पड़ता है, क्योंकि काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। काफ़ी देर तक तो हम घूमते रहे कि भाई कौन सी दुकान में जाए, सब इतनी बड़ी बड़ी वो हार वगैरह लगे हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि अंदर गए तो क्या लेके निकलेंगे, क्योंकि
क्योंकि भाई इतना बड़ा हार वार लेने की तो नहीं है ना। तो पहले तो हमने काफ़ी ऐसे ही विंडो शॉपिंग की, उसके बाद कोई दुकान समझ में आई तो हम वहाँ गए और अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से भी कुछ बाय कर लिया। मैं अभी इंशाल्लाह बताती हूँ कि हमने क्या बाय किया, पर बहुत अच्छा माशाल्लाह सोना दिखने में इतना अच्छा था। दिल तो बोलेगा सब ले लो, पर वो तो जन्नत में पॉसिबल हो सकता है ना, अभी दुनिया में तो पॉसिबल नहीं हो सकता सारा कुछ ले लेना। और मुझको गोल्ड का शौक़ भी है माशाल्लाह से थोड़ा सा। हमारे पनामा में गोल्ड पहनना थोड़ा रिस्की है, लेकिन फिर भी मुझको शौक़ है। और यहाँ क्योंकि पहनने में आता नहीं है तो लोग बोलते हैं फिर सोना ले के रखना और फिर ज़बरदस्ती उसकी ज़कात देना, तो इस वजह से लोग तो पता नहीं लेते हैं कि नहीं, पर ऐसा बोलते हैं कि सोना ज़बरदस्ती रखा रहे और फिर उसको ज़कात देना पड़े। पर मुझको तो वो भी एक इबादत लगती है कि भाई अगर अल्लाह ने आपको दिया है पैसा तो सोना ले लो और फिर ज़कात दे ना, ज़कात भी खुशी से दे, उसमें क्यों कंजूसी करना है भाई, जब आपके पास पैसा है और ले सकते हैं आप ले फिर उसकी ज़कात देंगे तो वो इबादत में शुमार हो जाएगा ना। ज़कात देना भी एक इबादत है बल्कि इस्लाम के 5 फ़र्ज़ों में से है। तो मैं उस नीयत से लेती हूँ कि ले लेंगे इंशाल्लाह और फिर ज़कात देंगे, अच्छे से इबादत करेंगे। अच्छा, जब हम गोल्ड ये ख़रीद रहे थे तो फिर अज़ान का नमाज़ का टाइम हो गया, तो वो पर्दा ऐसे, मैंने कहा नमाज़ पढ़नी है तो उन्होंने ये ऐसे पार्टीशन बना दिया कि भाई इधर नमाज़ पढ़ लें। हर दुकान में माशाल्लाह ऐसे ही करते हैं, तो ये भी बहुत अच्छी बात लगती है कि आप जिधर भी नमाज़ पढ़ना चाहो वो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ना वज़ू के लिए ना जगह के लिए, हर जगह आप आराम से नमाज़ पढ़ सकते हैं। जब आप गोल्ड ख़रीद रहे हो दुबई में तो एक बात का थोड़ा ख्याल कर ले कि आप अपना पुराना गोल्ड यहाँ नहीं बेचे, क्योंकि वो बेचने में उतना ही पैसा कटवट जाता है, तो अच्छा नहीं है कि आप पैसा, ज़रूरत पड़ी है कोई मजबूरी है तो बेचे, वरना सोना नहीं बेचना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बनवाई वगैरह जो होती है वो मेकिंग चार्ज इतना ज़्यादा होता है कि ऐसा लगता है कि गोल्ड के प्राइस और मेकिंग चार्ज में कुछ फ़र्क ही नहीं रहा। तो बहरहाल आप थोड़ा सा ध्यान दें, हम थोड़ा सा लॉस में भी चले गए, चले वो भी अल्लाह के हुक्म से, कि मेकिंग चार्ज हमने कुछ ज़्यादा ही ऐसा लग रहा था दे दी है, वो इतना समझ में नहीं आता है ना, फिर वो बाद में घर जाके उसको कैलकुलेट किया है तो फिर पता चला कि हाई मेकिंग चार्ज तो बहुत ज़्यादा दे दिया है। चले बहरहाल हो गया, कौन सा बार बार जाना होता था, एक बार गए और फिर यह ले लिया है। चूड़ी तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह थी, सेट वगैरह भी था, तो मैंने सोचा भाई ब्रेसलेट भी है। मैं आपको बताऊंगी कभी कि मेरी जब फर्स्ट पेमेंट मुझको मिली थी, यानी मेरे पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि मैं गोल्ड ख़रीद सकूं, मैंने बताया कि मुझको गोल्ड का शौक़ है, तो मैंने पहली चीज़ जो अपने पैसे से ख़रीदी थी वो ब्रेसलेट ही था। उसका भी मैं पिक्चर आपसे शेयर करती हूँ। और फिर मैंने यहाँ से ये ब्रेसलेट लिया है और उसके साथ ये अंगूठी, ब्रेसलेट अंगूठी ये सेट लिया था और एक ये वाली रिंग ली। हमने इस दुकान से ये सब बाई किया है और जो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो अंगूठी जिस दुकान से थी, कंस नाम था उस, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत सोना लिया है छोटा मोटा। चलिए फिर मिलेंगे, अस्सलाम वालेकुम।